हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अगर इस बैटर की रेसिपी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इडली और डोसा बैटर का एक इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगी। अगर आपने रात में ही डोसा बैटर पीसा है और सुबह तक ठंडी है और सुबह तक उसका खमीर नहीं उठेगा तो क्या करना है। अगर और इनो भी नहीं है आपके पास कि आप इंस्टेंट उसमें डाल के उसको अच्छे से फ्लफी बना सके, तो बिना इनो के क्या करेंगे आप लोग। तो आपको करना है, रात में जब आप उसको बैटर को पीसेंगे तब उसमें हाफ टेबल स्पून सोडा डाल देना है या पिंच ऑफ सोडा डाल देना है। तो जब आप सुबह में उठोगे तब ऑलरेडी उसमें खमीर उठ गया होगा। मैं आपको दिखाती हूँ, हमारा बैटर और ये आप देख सकते हैं कितना फ्लफी और एकदम क्रीमी टाइप का है। ये मैंने रात में 12 बजे ही पीसा था और सुबह 7 o'clock को जब नाश्ता बनाने का टाइम होता है तब ये एकदम अच्छे से फ्लफी हो गया है। और इनो डालने की या कुछ भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेकिंग सोडा हमारे पास होता ही है। तो रात में ही थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दें, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और इसकी इडली में आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। ये रही, देखिए एकदम सॉफ्ट एंड स्पंजी इडली बनी है हमारी। ये देखिए हमारी इडली कितनी अच्छी बनी है और इसका उत्पम भी बहुत ही अच्छा बना है। ये देखिए इम्पॉर्टेंट टिप कि रात में ही जब आप पीस रहे हैं इसको तभी इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दें तो आपकी इडली या कुछ भी डोसा या उत्पम वगैरह कुछ भी होगा वो एकदम अच्छे से सॉफ्ट बनेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।